लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज के मामले, जानें इसके कारण, बचाव के उपाय। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डायबिटीज एक जटिल समस्या है जिसमें दुनिया भर में लाखों लोग पीड़ित हैं। आजकल बच्चों में टाइप 1 के साथ टाइप 2 डायबिटीज का भी खतरा बढ़ गया है। एक शोध के मुताबिक बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम काफी ज्यादा बढ़ गया है। डायबिटीज अब बुढ़ापे में होने वाली बीमारी नहीं रही। आज के समय में ये बच्चों को भी तेजी से अपना शिकार बना रही है। खराब लाइफस्टाइल में पलने बढ़ने के चलते बहुत से बच्चे डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। डायबिटीज पर यह शरीर में वसा की मात्रा बढ़ने पर या फिर बचपन से शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण होता है। कई बार ये जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है। आजकल अधिकांश लोग बच्चों में जंक और प्रोसेस्ड फूड की आदत होती है, जिससे मोटापा बढ़ता है और बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम भी बढ़ता है। जेनेटिक नहीं होने पर भी होती है डायबिटीज। पूरी तरह से कहना गलत है कि अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आप भी इससे पीड़ित होंगे, जबकि इसके पीछे अन्य भी कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। छोटे बच्चे भी डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। एक छोटा बच्चा 7वीं क्लास का टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण उसमें देखे गए, जिसके परिवार में डायबिटीज का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। ना उसके पिताजी को था, ना माँ को था, ना उसको दादा को था, ना दादी को था, फिर लेकिन बच्चों को डायबिटीज हो गया। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण क्या हैं वो भी आपको बता रहा हूं। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज होने पर भूख ज्यादा लगती है, ऐसी स्थिति में ज्यादा थकान लगती है, ऐसे में आंखों से कम दिखना जैसी समस्या भी होती है। टाइप 2 डायबिटीज से बचने के कुछ तरीके आपको बता रहा हूं। बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज से बचने के लिए उन्हें शारीरिक गतिविधियों में शामिल करें। बच्चों को डायबिटीज से बचाने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पिलाएं। यह ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में मददगार होता है। इसके लिए खानपान पर ध्यान दें। डाइट में फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें। शक्कर अवॉइड करें, राइस कम करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।